सुरक्षा कवच या वाहक नहीं है। ये एक तरफ तो उत्पीड़न का हथियार है, दूसरी तरफ पीड़ित के हाथ में हथकड़ी पहना देता है, पैरों में बेड़ी पहना देता है और मुंह पर ताला लगा देता है। वो जिंदा रहते हुए भी बे आवाज हो जाता है, गूंगा हो जाता है, बेइज्जत और बहरा रहता है। साथियों, आज पूरा देश छत्रपति शाहू जी महाराज की जयंती मना रहा है। सभी को इस अवसर पर सबको बहुत बहुत बधाई। छत्रपति शाहू जी महाराज इस देश के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा थे। सम्राट अशोक के बाद अगर जनता को किसी ने सीधे संबोधित किया और उसको लाभान्वित किया तो उसमें शाहू जी महाराज का ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर बहुत बड़ा नाम है और बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत थे। उन्होंने अपने युवा काल में अंग्रेजी का अध्ययन किया, इतिहास का अध्ययन किया और राज्य कारोबार की शिक्षा जो राजनीति शास्त्र के अंतर्गत आती है। निश्चित रूप से जिसको इतिहास का अध्ययन होगा, जिसको अंग्रेजी का अध्ययन होगा, जिसको राज्य कारोबार का अध्ययन होगा, वो सोचेगा एक बार को पब्लिक वेलफेयर स्टेट क्या है, सम्राट अशोक जैसे राजा ने कैसे इतनी बड़ी लोकप्रियता हासिल की। उसका मन भी करेगा कि हाँ, वो भी जनता को सीधे संबोधित करे, जनता को सीधे लाभान्वित करे। उन्हीं में से शाहू जी महाराज यहाँ पर प्रमुख थे। जैसे सम्राट अशोक ने अपने अभिलेखों में कहा कि मैं प्रजा के कल्याण के बारे में सोचता हूँ, उसके बारे में जो अस्पताल बनवाए, रास्ते बनवाए, कुएं बनवाए, वो उसी तरह से ठीक शाहू जी महाराज ने बहुत बड़े बड़े काम किए। और जो सबसे बड़ा काम, महत्वपूर्ण काम है, वो है प्रतिनिधित्व का। 1902 में पिछड़ों को, वंचितों को उन्होंने प्रतिनिधित्व दिया, ऐसा आदेश का उन्होंने पालन करवाया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी, बाद की जो भी सत्ता में आए लोग उनके लिए भी। और इन चीज़ों से प्रसन्न होकर के ब्रिटिश कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने उनको LLD की डिग्री भी दी। अपने साम्राज्य में लगभग 122 से अधिक स्कूलों की स्थापना की, महिलाओं के लिए भी स्कूल खोले, वंचितों के लिए भी, अछूतों के लिए भी, और अध्यापकों के लिए भी कैसे पढ़ाया जाए उनके लिए ट्रेनिंग सेंटर्स उनके द्वारा खोले गए, मेडिकल सेंटर्स खोले गए, कृषि के लिए भी शोध केंद्र खोले गए, बोर्डिंग हाउसेस, छात्रावास खोले स्टूडेंट्स के लिए, आदिवासियों के भी बीच जाकर के उन्होंने उनको एड्रेस किया और जो उनकी समस्याएं सुनी और पता लगा कि उन्हें काम नहीं मिलता है, बेरोजगार हैं वो लोग और इसीलिए उनके ऊपर चोरी के आरोप भी लगते हैं, तो उन्होंने उनको लाभ दिए और जमीन दी और गांव दिए, वो गांव में बसने लगे और उनको काम भी मुहैया करवाया। अपने क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य करना 1912 में एक बहुत बड़ा कदम था और 1918 में खुदरा मूल्य केंद्र स्थापित किया उनके द्वारा। और वो बहुत प्रभावित थे ज्योतिबा फुले जी के जीवन से, उनके संघर्ष से, उनके मिशन से, और 1911 में उन्होंने वो काम भी अपने हाथ में ले लिया, सत्यशोधक समाज का उस आंदोलन को उन्होंने चलाया। और एक बहुत बड़ा योगदान उनका है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को सपोर्ट करना। और उन्होंने एड्रेस किया सभी अनटचेबल्स को कि अब आगे से आपके जो नेता होंगे, जो आपके मसीहा होंगे, वो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर होंगे और यही आपका, इन्हीं के नेतृत्व में आपका उद्धार होगा। ये बहुत बड़ा डिक्लेरेशन था, बहुत बड़ी भविष्यवाणी थी उनके लिए। और ऐसे दूरदृष्टि रखने वाले महाराज को हम लोग बार बार नमन करते हैं। उनके बारे में विशेषकर पढ़ाया जाना चाहिए हमारे विद्यार्थियों को भी, हमारे शिक्षकों को भी और हमारी नई पीढ़ी को कि हाँ, इस तरह के निर्णय लेने वाले बहुत बड़े बहुत लोग हुए हैं। और जाति के खिलाफ संघर्ष करना, जाति को ख़त्म करना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। वो प्रतिनिधित्व को देकर के ही निश्चित रूप से उसे ख़त्म किया जा सकता है। लोगों को जाति के बारे में बहुत बड़ी गलतफहमियाँ हैं, उसको थोड़ा सा दूर करने की भी आवश्यकता है। जाति कोई सुरक्षा कवच या वाहक नहीं है। यह एक तरफ तो उत्पीड़न का हथियार है, दूसरी तरफ पीड़ित के हाथ में हथकड़ी पहना देता है, पैरों में बेड़ी पहना देता है और मुंह पर ताला लगा देता है। वो जिंदा रहते हुए भी बे आवाज हो जाता है, गूंगा हो जाता है, बेइज्जत और बहरा रहता है। सर पर उत्पीड़न का बोझ ढोने के लिए पीड़ित को मजबूर करता है, ऐसी चीज है जाति पीड़ित के लिए। उत्पीड़न करने वाला उसको एंजॉय करता है। पीड़ित का जो प्रतिनिधित्व का अधिकार है, जिसको आरक्षण कहा जाता है, वो एक कवच की तरह है जो पीड़ित के लिए सेफ गार्ड है। सीमांकन नहीं है, कोई बॉक्स नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है।
उस पवित्र के प्रतिनिधित्व के अधिकार के संबंध में यह बात जान लेनी चाहिए कि उत्पीड़न के विरुद्ध यह अधिकार इसलिए है कि जो पूर्व में किया गया है और जो वर्तमान में किया जा सकता है या भविष्य में भी किए जाने की आशंका है उसके खिलाफ प्रतिनिधित्व का अधिकार मिला है। प्रतिनिधित्व का अधिकार या दावा व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक उत्पीड़न के खिलाफ कवच है जो उत्पीड़क के जाति नामक विशेषाधिकार जो एक हथियार काम करता है, उत्पीड़क इस हथियार को चलाकर जेल जाता है और पीड़ित कष्ट में रहता है। अतः किसी को भी जाति या उपजाति को बनाए रखने में लाभ नहीं है। जाति को अंतर्विवाहों का समर्थन करके, जाति उपजाति सूचक नाम हटाकर, उसके संबंध में बात करके, लोगों को जाति सूचक नाम से न पुकार कर, जाति संबंधी सवाल जवाब चर्चा बंद करके हम प्रयास कर सकते हैं। हमारे मित्र श्री AK सिंह जी ने इस बारे में सुझाव भी दिया कि सामाजिक कार्यकर्ताओं को अंतर्विवाह करने वालों को पुरस्कृत करना चाहिए, उनकी आर्थिक सहायता करनी चाहिए, उनकी सुरक्षा में सहायता करनी चाहिए। स्वागत योग्य सुझाव है और राष्ट्रवाद को एक बहुत बड़ा इससे मार्गदर्शन मिलेगा और राष्ट्र की एकता अखंडता भी इससे बढ़ेगी और बहुत बड़ा जो क्राइम है वो क्राइम होने से बचेगा अगर लोगों को कास्ट माइंड सेट हट जाए, कास्ट हट जाए। और ये बहुत बड़ी श्रद्धांजलि होगी छत्रपति शाहू जी महाराज को जिन्होंने इस अभियान को जो आधुनिक भारत है उसमें एक सॉल्यूशन देकर के इसको खत्म करने का प्रयास किया। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24x7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं।